मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपने घराने में जी। जो कठिन पद थे उनको सरल किया जी, बच्चों को समझाने के लिए जी। सरगमों का कुछ पलटे तैयार किए, जैसे सारे गे रे ग सारे सारे ग सारे ग रे सा रे ग म ग म रे ग म ग म रे ग म म ग रे। तो बच्चे ये दो दो का विभाग बन रहा है इसमें, सारे ग रे ग सा रे ग रे सा रे ग ग ग रे सा, ऐसा बन रहा है विभाग। तो बच्चे आराम से आलाप अपने गले को तैयार कर सकते हैं आलाप के लिए। तो कभी बचपने से लेकर जो अभी तक का आपका सफर रहा है, जब आप छोड़ के आ गए, कभी डांट वांट नहीं पड़ी माता पिताजी से कि तुम ये कर क्या रहे हो भाई, दसवीं पास कर गए थे, पढ़ लिख के कुछ अच्छा नौकरी कर लेते, कुछ और कर लेते? ये हमारे गुरुजी ने कहा, माँ नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने माँ बाप से ज्यादा हमें प्रेम दिया जी। ये मैं सोचता था कि साधु बहुत निष्ठुर होता है, हमारी ये विचारधारा थी। लेकिन जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि अरे यार, घर से ज्यादा प्रेम यहाँ मिल रहा है। मैं बीमार पड़ूं तो डॉक्टर खुद आ जा रहा है कार लेकर दवा करने। तो हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं, उन्होंने बहुत प्रेम दिया और उन्होंने अनुशासन किया, डंडा से मार करके व्याकरण न्याय कहे, पढ़ोगे नहीं तो संगीत का डिफिनीशन कैसे करोगे, परिभाषित कैसे करोगे संगीत को। तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और मेरा तो मन रम गया भाई। गुरुजी ने डांटा कि नाचने गाने का क्या काम कर रहे हो ब्राह्मण हो करके। फिर हमने कहा कि शास्त्र में आया है कि नृत्ता बसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौपंचवारम। तो ननाद ढक्का नौपंचवारम, भगवान ने डमरू बजाया है, डमरू नद्य वाद्य है और डमरू से आपके व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। तो संगीत जननी है व्याकरण की, उसको कैसे छोड़ा जाए। उन्होंने कहा तुम्हारा तर्क जायज है, तो भी प्रसन्न हुए हमारी बात से। फिर बोले तुम सीखो।